अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि इसका गुटका टूटा है, सही है। तो मैं आपको इसके गुटके चेंज करने की तरीका बताऊंगा और वो भी बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसान, सही है। तो जिस भाई को मकसद है कि इमराइडी मशीन, सैंपल मशीन 4 हेड, 2 हेड, 6 हेड, 8 हेड या 12 हेड की मशीन अगर से वो करनी हो, ख़रीदनी हो, लेनी हो, तो शुरू में मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, सही है, वो कांटेक्ट कर सकता है और उसको इंशाल्लाह मैं पूरी डिटेल बताऊंगा कि कौन सी मशीन है, कैसी मशीन है, ठीक है। या उन्होंने अपने हिसाब से मशीन बनवानी हो, जितना साइज़ रखवाना हो, जो भी वो करना हो मकसद है, तो वो भी उसको हम इंशाल्लाह करके देंगे, ठीक है ना। तो वो बंदा कांटेक्ट कर सकता है, सही है। तो काफ़ी सारे दोस्तों की कॉल आई भी हैं और आएंगी भी, तो इंशाल्लाह मैं बताऊँगा आप लोगों को, सही है ना। अभी भी इस जगह पर भी नंबर आया है, सही है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो टॉपिक जो है हमारा वो ये है, इसका गुटका चेंज कर रहा हूँ मैं। इसको पहले अच्छी तरीके से साफ़ सफाई कर लेनी है हेड की, सही है। उसके बाद आपने क्या करना है, 2.5 नंबर के एल के का नट होगा ये साइड में, गुटके की या रॉड जो है ये इसको लॉक लगी हुई होती है, इसमें ये साइड में ये नंबर वो है एल के का नट है, इसको आपने खोलना है, सही है। तो इसको खोलने के बाद ये राड बाहर निकालनी है आपके, आपने गुटके की ये वाला एलकी के 2 नंबर की एलकी के नट भी खोल लेने, जो के गुटके के नीचे रखे हुए होते हैं, ये हेड स्लाइडर के लिए होता है, ठीक है, हेड की नीचे वाली पट्टी उसको घुमाने के लिए इधर उधर, ये उसके साथ बेरिंग घूमता है, सही है ना। तो इसके 2 नट होते हैं, आपने ये खोलना है, उसके बाद आपने ये रॉड बाहर निकालनी है, ठीक है। ये साथ में जो ये एक मुँह के पेचकस की पट्टी खड़ी हुई है ना, इसको भी आपने खोल लेना है। ये अभी मैं खोलता हूँ, दिखाता हूँ कि इसको खोल के कहाँ खड़ा करना है, और ये गुटका मुकम्मल में इंशाल्लाह आपको चेंज करके दिखाऊंगा। ये रोड को साफ़ कर लें आप अच्छी तरीके से, सही है। इसको साफ़ करने के बाद इसका कट आएगा, वो कट आपने फिर सामने लगाना है, सही है ना, वो मैं आगे चल के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो अब इसका ये वाला नट भी खोल लेते हैं, ये एक मुँह के पेचकस का, सही है ना। तो ये आता होगा आप लोगों को, तो मेरा तो ये काम है कि मैं बताऊं, यानी कि किसी को आता होगा, किसी को नहीं आता होगा, जो नए लड़के होते हैं ना उनको नहीं आता, सही है। तो मेरा तो फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप लोगों को बताऊं, ठीक है ना। ये इसका गुटका, वही वापस आपने वो इसकी लगानी है लॉक गुटके के अंदर, ठीक है। इस तरह से आपने ये दोबारा वापस लगा देना है इसका गुटका, यानी कि गुटका आपके पास रखा हुआ हो, ठीक है ना, हेड को साफ सफाई करके, सही है। तो इसके बाद ये इसका हेड भी लगाऊंगा मैं, वो थोड़ा चलते हुए पे भी डेमो दिखा दूंगा मैं आपको कि ये किस तरह से चल रहा है। ये हेड बिल्कुल बंद था, तो ये वो लड़का बुला के गया है मुझे, ये देखें, ये जो इसका सामने कट आ रहा है ना ये वाला, ये इसको आपने इस तरफ देना है जिस तरफ वो एल की लगी हुई है, एल की का नट लगा हुआ है, ये वहाँ पर जाके इसमें वो नट आएगा तो ये मज़बूत हो जाएगा। वापस आपने इसने इसके अंदर वो बेरिंग लगाना है, जो बेरिंग निकाला था, ये देखें, ये बेरिंग दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये वाला, ये काली साइड ऊपर लगेगी नटों वाली और ये बेरिंग वाली साइड नीचे लगेगी। बाज़ लोगों को ये पता नहीं होता, जो नए नए मकसद ऑपरेटर होते हैं, हेड खोलते हैं, तो उनको पता नहीं होता, ठीक है ना। तो जब नए नए हम थे तो हमें भी पता नहीं था, जाहिर है भाई, तो मैं तो बताऊँगा, सही है ना। तो आपने वापस इसको एल की के नट को टाइट कर देना है, टाइट करने के बाद जो जो आपने सामान खोला है ना वो सामान आपने दोबारा इसका टाइट करना है, सही है। तो ये जेमसोनाइट देख लेना है कि अटक तो नहीं रहा, अगर अटक रहा हो तो फिर वो कैम की सेटिंग होती है, सही है। अभी मैं दिखाता हूँ इसका, ये नट लगा लिया। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस ऑल कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँचती रहे, सही है। तो वापस आपने इसके वो 2 नंबर के नट भी टाइट करने हैं, भूलने नहीं है, क्योंकि अगर ये भूल गए तो ये फिर वो होता रहेगा, हिलता रहेगा या ऊपर नीचे होता रहेगा, तो ये प्रॉब्लम करता है बाद में, सही है। ये इसको टाइट कर दिया, गुटके को चेक कर लें कि अच्छी तरह से वो कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा, सही है। अब हम इसका लगाएंगे हेड, जो कि इसका हेड बहुत ही आसान है यार, ये 24 हेड मशीन है एमटेक्स, इसका हेड लगाना बहुत ही आसान है। मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह से इसके खाली 2 नट खोलने हैं और लगाने हैं। अच्छा, ये जो इसके लीवर है ना, ये वाले,
इनको एक साथ आपने 9 के 9 लीवरों को एक साथ ऊपर उठाना है और बराबर रखना है इस तरह से, और बाद में आपने हेड उसमें चिपकाना है। सही है, तो हेड देखे लगा दिया। अब इनको एक एक करके नीचे इस तरह से जोर दे दें, ऐसे ऐसे, ये अपने आप बैठ गया। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है, मकसद है टेंशन वाली बात कि ये नहीं लगेगा, ये है वो है। हाँ, अगर सेंटर आउट हो जाए तो वो नट खोलने पड़ते हैं 3 नंबर की हल्की के, वो सेंटर वहाँ से बनता है फिर। ठीक है ना, तो वापस आपने इसके 4 नंबर के नट टाइट करने हैं। 4 नंबर के नट टाइट करने के बाद, तो ये हेड लगाने के बाद मैं इसको दिखाऊंगा आपको, चलते हुए भी थोड़ा डेमो दिखाऊंगा। सही है ना, तो इंशाल्लाह ये बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटी देगा, क्योंकि जो कि ये हेड बंद था। सही है, तो हेड बंद था तो वो बुला के लाया है कि यार गुटका लगा के दो मुझे। तो ये आप टाइम देख लो, इसी टाइम में इसका गुटका चेंज हुआ है। बाकी वो जो थोड़ी सी मैंने काटी है ना वीडियो, वो तो उसने धागे वागे डाले, उसमें टाइम हो गया, तो वो मैंने मुझे वीडियो काटनी पड़ी। बाकी 8 मिनट में इसका गुटका चेंज हुआ है। सही है, बाकी वो सिंग मशीन में थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि उसके लीवर वगैरह खोलने पड़ते हैं, ये प्लेट वगैरह लगा के आपने वो करना है। सही है, हेड को साफ़ सफाई अच्छी तरीके से कर लेनी है, क्योंकि ये अच्छी बात होती है। अब मैं चलते हुए पे दिखाता हूँ आपको, ये प्लेट बाद में लगा ली थी मैंने, लेकिन आए हम चलने पे। सही है, तो इसको देखें किस तरह से माशाल्लाह चल रहा है, इसमें कोई मिसिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। नज़दीक करके इस वजह से मैं दिखाता हूँ। सही है, देख लें आप, ये वो दूसरे हेड ने धागा तोड़ा है मेरे ख्याल, इसने नहीं तोड़ा बल्कि। सही है, वो सामने दूसरे हेड ने धागा तोड़ा है, वो भी धागा डालेगा। मैं दोबारा इसकी क्वालिटी दिखाता हूँ आपको कि किस तरह से चल रहा है। ये वही हेड है जिसका अभी हमने गुटका चेंज किया था। सही है, तो ये दोबारा चलाई है उसने, मकसद है दूसरे हेड रुक रहे हैं, ये दोबारा चलाई है। अभी देख लें क्वालिटी किस तरह से बना रहा है, किसी किस्म की मिसिंग नहीं है इसमें। सही है ना, तो ये सेटिंग है इंशाल्लाह आप अपनी मशीनों में खुद कर सकते हैं। तो यही सेटिंग है, बताता रहता हूँ आपको। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह हाफिज़।